Hello everyone. This is me, Ayushi, and I welcome you all to Score Shala. So currently, we are doing the development experience of India, China, and Pakistan. इस चैप्टर के अंदर आज जो अपना टॉपिक है इट इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एंड अप्रेजल सो कुल मिलाकर के यहां पे अपन इवेल्यूएशन करने वाले हैं उन सभी स्ट्रेटजीज का जो कि मोर ओवर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर यूज की गई थी ठीक है तो मोस्टली तो अपन इन दोनों ही कंट्रीज को आज अपन इस वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं चलिए सो कॉमन सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान अब देखो जब अपन इवेल्युएट करते हैं तो उस इवेल्युएशन के अंदर अपन पहले तो सक्सेस देखते हैं फिर अपन फेलियर देखते हैं दोनों चीजें देखने के बाद में अपन एक लास्ट कंक्लूजन या फिर लास्ट Uh, कह सकते हो कि जो रिजल्ट होता है उसके ऊपर पहुंचते हैं ठीक है तो अब यहाँ पे अपन इवेल्युएशन तो तभी करेंगे ना जब पहले अपन सक्सेस देखें फिर अपन फेलियर देखें तो सक्सेस की पहले अपन बात करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बोला कि इंडिया और पाकिस्तान की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं तो दोनों की जो स्टोरी थी कॉमन स्टोरी उसको अपन यहाँ पे फोकस करने वाले हैं बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव इन मोर देन डबलिंग देयर पर कैपिटा इनकम अब दोनों ही कंट्रीज के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है पर कैपिटा इनकम यानी कि जो पर पर्सन इनकम जो होती है ठीक है अब इन्होंने इतना ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचा कि इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो डबल हुई This is a remarkable achievement considering the fact that population has increased four led in Pakistan and therefore four fourfold in India. अब देखो हमें ये पता है कि पाकिस्तान की और इंडिया की जो population है वो कितनी ज़्यादा है, right? अब इन दोनों ही countries की population ज़्यादा होने के बावजूद अगर per capita income अगर double हुई है तो it's a very big achievement over here. Okay? द इंसिडेंस ऑफ एप्सुलूट पॉवर्टी यानी कि इक्वेटेड विथ डॉलर टू फाइव पर डेज बीन रिड्यूज अब यहाँ पे आपको जिस जिन चीजों पर फोकस करना है वो ये है कि जो गरीबी है यानी कि जो पॉवर्टी है वो रिड्यूज हुई है सिग्निफिकेंटली ऑल दो द नंबर ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन कंटिन्यूज टू बी वेरी लार्ज जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है वो बड़ी है लेकिन एप्सुलूट पॉवर्टी की अगर अपन बात करें तो दोनों कंट्रीज के अंदर जो टोटल पॉवर्टी है वो कहीं ना कहीं काफी कम हुई है फूड प्रोडक्शन हैज सक्सेसफुली कैप्ड पेस विद राइज इन ab अब जैसे जैसे badi hai in दोनों कंट्रीज के अंदर वैसे वैसे फूड प्रोडक्शन भी बड़ा है ठीक है सो लिविंग असाइड एनुअल फ्लक्चुएशन ड्यू टू वेदर कंडीशन अब एनुअल फ्लक्चुएशन को एक बार साइड में रख करके बोथ कंट्रीज आर सेल्फ सफिशियंट इन फूड दोनों ही कंट्रीज सेल्फ सफिशियंट हैं यानी कि दोनों ही कंट्रीज फूड के मामले के अंदर खुद ही प्रोड्यूस करते हैं मोर ओवर ओके पाकिस्तान एक्सपोर्ट इट सरपल राइस बट इम्पोर्ट स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ वीट पाकिस्तान के अंदर जो भी सरप्लस uh, में जो राइस होता है उसे एक्सपोर्ट करता है और वीट वो थोड़ा बहुत वीट वो इम्पोर्ट करता है ठीक है फूड सेल्फ सफिशियंसी हैज बीन अकम्पनीड विद द इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस अब फूड सेल्फ सफिशियंसी के साथ साथ में न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इन दोनों कंट्रीज ने मेनटेन किया है डेली कैलोरी एंड प्रोटीन इनटेक पर कैपिटा यानी कि पर per पर्सन जो कैलोरी और प्रोटीन इनटेक है दोनों कंट्रीज में वो बढ़ा है हैज राइज इन बाई ऑलमोस्ट वन थर्ड हाउ एवर मैल नरिशमेंट अमंग चिल्ड्रेन इज स्टिल वेरी हाई लेकिन फिर भी जो कुपोषण मतलब कुपोषित जो रेट है ठीक है मैल नरिशमेंट जो रेट है वो अभी भी बच्चों के अंदर काफी ज्यादा हाई है हा वेल डेवलप्ड मॉडर्न सेक्टर्स अलॉन्ग विदवर्ड ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैज फाउंड ग्लोबल रिक्नाइजेशन इन बोथ द कंट्रीज सो दोनों ही कंट्रीज के जो मॉडर्न सेक्टर्स हैं अलॉन्ग विद्रेडिशनल सेक्टर्स इन दोनों को ही काफ़ी ज्यादा रिकग्नाइजेशन मिला है जो जितनी भी कंट्रीज हैं ग्लोबली उन कंट्रीज के अंदर ओके इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस विद रिगार्ड टू एक्सेस ऑफ इंप्रूवमेंट वाटर रिसोर्स अब एक्सेस टू इंप्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस विद रिगार्ड टू एक्सेस टू इंप्रूव वाटर रिसोर्सेज एक्सेस टू इंप्रूव वाटर रिसोर्सेज ठीक है वाटर रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने का जो एक्सेस है दोनों ही कंट्री में वो काफ़ी अच्छा है

सी आई ए वर्ल्ड फेसबुक टू थाउजेंड नाइनटीन तो यहाँ पे बस जो ये जिस बारे में अपन बात कर रहे हैं दैट इज एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज तो दोनों ही कंट्री के अंदर पाकिस्तान के अंदर है इट्स नाइनटी वन पॉइंट फोर परसेंट लोगों को जो इम्प्रूवड वाटर रिसोर्सेज है उसका एक्सेस है इंडिया के अंदर नाइन्टी फोर पॉइंट वन परसेंट जो है वो लोगों को वाटर सोर्सेस का एक्सेस है इंप्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज का एक्सेस है ओके okay? कॉमन फेलियर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान तो ये तो थी कॉमन सक्सेस इन दोनों की ठीक है इन दोनों कंट्रीज के अब कुछ फेलियर्स के बारे में बात करते हैं सो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट लाइट कॉमन फेलियर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान द रिलेटिवली इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड हाई प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिड नॉट अलाउ इंडिया एंड पाकिस्तान टेक टाइमली एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखो दोनों ही कंट्रीज क्या थे इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी दोनों ही कंट्रीज ने की थी इसका मतलब ये था कि ये अपनी आ, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन के अंदर पॉलिटिशियंस एंड द ब्यूरोक्रेट्स हैज नॉट शोन अ प्रोग्रेसिव चेंज अब वहां इन दोनों ही कंट्रीज के जो पॉलिटिशियन और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके माइंड सेट की वजह से किसी और तरीके के चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं कंट्रोल्स कंटिन्यू टू बी द प्रिफर्ड ऑप्शन कंट्रोल यानी कि बहुत से सेक्टर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा या फिर पॉलिटिशियंस का कंट्रोल होगा इससे क्या हुआ है कि इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई है सो कंट्रोल्स कंटिन्यू टू बी द प्रेफर्ड ऑप्शन रादर देन फ्रीडम ऑफ चॉइस सो फ्रीडम ऑफ चॉइस के बजाय अभी भी वो कंट्रोल करने को ज्यादा बेहतर समझते हैं ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स प्राइवेट सेक्टर हैज ट्राइब्ड मोर ऑन कंट्रोल्स ब्राइब्स लोन फॉर्म पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा किन चीज़ों पर फोकस करता है ब्राइब्स मतलब जो घूस लेने में और जो फिनेंशियल पब्लिक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे लोन लेने में इन चीज़ों पर यह ज़्यादा फोकस कर रहा है टैक्स इवेजन इज़ अ नेशनल हॉबी और टैक्स में जो छूट है जो टैक्स की चोरी होती है छूट भी नहीं कहूँगे यहाँ पे जो टैक्स की चोरी होती है वह बहुत ज़्यादा होती है इन दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर फिजिकल मैनेजमेंट इज ग्रॉसली डिसअपॉइंटिंग अब फिजिकल मैनेजमेंट जो है वो भी बिल्कुल बिगड़ा हुआ है हायर फ़िजिकल डेफिसिट फिजिकल डेफिसट बहुत ज़्यादा है यानी कि फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है जो आपका रेवेन्यू है उससे ज़्यादा खर्चा ठीक है जो आपके इनकम से ज़्यादा खर्चा होता है तो वो डेफिसिट की सिचुएशन होती है एवरेजिंग सेवन पॉइंट एट सेवन टू एट परसेंट ऑफ जी डी पी हैज़ परसिटेड फॉर फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओइंग टू यूज बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट अब इसको चलते क्योंकि फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन है तो इसको चलते गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बोरो करती है प्राइव ओइंग टू यूज बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन हैज़ फेल्ड टू ट्रेंड अप टू दी डिजायड एक्सटेंट तो क्योंकि गवर्नमेंट मोस्टली बोरोइंग पे टिकी हुई है तो जो प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन है वो इतना ज्यादा नहीं होता यानी कि प्राइवेट सेक्टर का जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो इतना ज्यादा नहीं हो पाता है ओके okay? लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू इज स्पेंट टू मीट डिफेंस एक्सपेंडिचर टैक्स से जो इनकम आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस पे खर्चा कर दिया जाता है एंड इंटरनल डेप सर्विसिंग और अंदर की जो भी डेप uh, सर्विसिंग है जो भी लोन वोन है उसमें वो पैसा चला जाता है इट हैम्पर्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ कहीं ना कहीं उससे ग्रोथ बढ़ती है ओके डेफिसिट अर्बन सर्विसेज वाटर इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट आर बिग हर्डल अब अर्बन सर्विसेज अर्बन सर्विस अर्बन एरियाज की जो सर्विसेज है जैसे वाटर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट इसकी कमी है ओके आर अ बिग हर्डल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस ये क्योंकि इन सब चीजों की कमी है इससे कि होता क्या है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये एक तरीके की रुकावट है द पॉलिटिशियंस आर यट टू प्रोवाइड अ सिंसियर एंड स्ट्रांग लीडरशिप फोकसिंग जो भी पॉलिटिशियन है उनको अभी भी बहुत ज्यादा सिंसियरली और फोकस करके अपनी लीडरशिप जो है उसको एक पॉजिटिव तरीके से एक रिजल्ट लेके आने में अभी बहुत टाइम है सो द पॉलिटिशियंस आर यट टू प्रोवाइड अ अंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फोकसिंग ऑन सोशल वेलफेयर मतलब दे आर नॉट फोकसिंग मोरली ऑन सोशल वेलफेयर मतलब यहाँ पे ये धारणा बनी हुई है दोनों कंट्रीज के अंदर वैसे तो बहुत से पॉलिटिशियंस अच्छे भी होते हैं लेकिन मोस्टली अगर पॉलिटिशियन का नाम आता है तो यही सोचते हैं कि यार ये बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं राइट मोस्टली लोगों के दिमाग में यही धारणा होती है कि भाई जो ये प्रॉमिस करते हैं वैसे कुछ होता नहीं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है ओके अ वाइड लैग बिटवीन फॉमुलेशन ऑफ पॉलिसीज ऑन दी वन हैंड एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अदर अब पॉलिसी बनाने में और उसको लागू करने में बहुत ज़्यादा गैप है ठीक है इट इज़ अ सीरियस इंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ अब ये ग्रोथ के अंदर जो पूरा प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है इसके बीच में ये बहुत बड़ी रुकावट है कि आप पॉलिसी तो बना लेते हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त आप बहुत पीछे हो जाते हो ओके एरियाज में इंडिया हैज़ एन एज ओवर पाकिस्तान अब वो सारे एरिया जहाँ पे इंडिया जो है वो पाकिस्तान से आगे है कौन कौन सी जगह है सो इन द एरिया ऑफ स्किल्ड मैन पावर हमारे कंट्री के अंदर जो मैन पावर वो काफ़ी स्किल्ड है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन और दूसरी चीज़ क्या है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन में हम आगे हैं इंडिया इज़ बेटर प्लेसड दैन पाकिस्तान इंडिया हैज शोन अ रिमार्केबल ब्रेक थ्रू इन दी एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर एनेबल्ड सर्विसेस तो इंडिया और किस चीज में आगे है सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 सर इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद में इंडिया ने सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर इनेबल जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करी हैं ठीक है ठीके? पाकिस्तान से हम काफ़ी ज़्यादा आगे हैं इस क्राइटेरिया के अंदर पाकिस्तान इज़ फार बिहाइंड पाकिस्तान काफ़ी पीछे है अकॉर्डिंगली According to the World Bank estimates 2018, external trade GDP ratio in case of India was 43% as against 28% in the Pakistan. So here, export ratio India is 43% or Pakistan 28%. Human capital formation okay? accompanied with the market-friendly economic policy to so human capital formation, India may.

Pakistan The number of PhDs produced by India in science and engineering every year har saal jo PhDs hamari country ke produce hoti hai, science mein after engineering

ओके एंड दे हैव ग्रोन फास्टर देन द पाकिस्तान ओइंग टू रैपिड डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट हमारे यहाँ की जो फर्टिलिटी रेट है वो काफी डिक्लाइन हुई है पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया हैज बीन स्लैश्ड टू वन पॉइंट वन सेवन परसेंट फर्टिलिटी so, हमारी, रेट हमारी जो है वो कम हुई है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी दीरे, 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 दीरे कम हुई है लेकिन पाकिस्तान में इट इज एज हाई एजन पॉइंट फोर थ्री अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड से हेल्थ को अगर अपन बात करें तो हेल्थ फैसिलिटीज जनरल और जो मोटेलिटी इन्फेंट मोटेलिटी रेट है उसके अंदर हम मतलब हमारा जो कंट्री है वो पाकिस्तान से काफी सही परफॉर्म कर रहा है Now, अब ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया है जहां पे पाकिस्तान इंडिया से आगे है सो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट सेम लेवल अब इंडिया जस जहां से इंडिया ने स्टार्ट किया हम भी वहीं से स्टार्ट करेंगे इसके अंदर भी पाकिस्तान बेटर रिजल्ट विद रिगार्ड्स टू माइग्रेशन ऑफ वर्क फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री अब देखो uh, इंडिया के अंदर तो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से दूसरे सेक्टर्स के अंदर मतलब नहीं ट्रांसफर हो पाया माइग्रेट नहीं हो पाया लेकिन uh, पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर छोड़ छोड़ के काफी ज्यादा लोग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के माइग्रेट हुए हैं ओके okay? और माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन या फिर माइग्रेशन की अगर अपन बात करें तो रूरल एरिया से अर्बन एरिया के अंदर माइग्रेट करने में पाकिस्तान काफी आगे है रिड्यूसिंग बीपीएल पॉपुलेशन टू 29.5% बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन रिड्यूस